ये सब कुछ शक तो मुझे तभी हो गया था जब तुमने कहा कि तुम्हारे महीने के भाई का नाम अजीत है, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहती थी इसलिए मैं चुप रही। फिर मुझे याद आया कि तुमने बताया था ना तुम्हारी महीने का मायका शास्त्री नगर में है, पर अजीत भी शास्त्री नगर में रहता है। इतने सारे इत्तेफाक नहीं हो सकते ना, इसलिए मैं कंफर्म करने यहाँ आई। मेरा शक सही निकला। स्वाति, स्वाति तू शांत हो। स्वाति नहीं अर्चना, खूब शांत रायले में आता पर था। लेकिन अब मैं उसे पूछ के रहूंगी। 2 साल तक मैं ऐसा रिश्ता रखा और अचानक से छोड़ दिया। स्वाति तेरा गुस्सा जायज है, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच सारी बातें लेकर आना। नहीं अर्चना, अब जो होगा वो जाने दो। स्वाति उसका जो होगा वो होगा, लेकिन तू अपना भी तो सोच। अभी तेरी शादी होनी है, तेरा एक गलत कदम तेरी पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। जो भी हो मुझे उससे बात करनी है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अजीत को तुझसे अकेले में मिला सकूं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। अजीत, तुमने तो बड़ी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा लिया। हाँ शायद तुम्हारी शादी हो भी जाती लेकिन मुझे पता नहीं चलता। लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब थी कि तुम्हारी बहन की ननद मेरी सहेली निकली। और आज तुम्हारा ये असली चेहरा मेरे सामने आ गया। ग्रेट, मेरा असली चेहरा तुम्हारे सामने आ गया। तो अब बताओ तुम कि अब क्या चाहती हो तुम मुझसे? I want explanation, अजीत। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। स्वाति, sweetheart, please don't make this such a big issue, okay? देखो स्वाति, ऐसा है, प्यार मोहब्बत एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, लेकिन प्यार करना एक चीज है और उसे शादी में बदलना दूसरी बात है। शादी करते वक्त हर कोई अपने सिक्योरिटी के बारे में सोचता है, जैसा कि तुमने सोचा। अब तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे जो ये शादी का सपना देख रही थी वो क्यों देख रही? इसलिए ना कि मैं तुम्हें एक सिक्योर लाइफ दे सकता, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दे सकती हो? क्या मतलब? मतलब ये स्वाति के मनीषा, जिसके साथ मैं शादी कर रहा हूँ, वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। बहुत बड़े आदमी हैं वो लोग। मुंबई में उनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, फ्लैट्स हैं, और ये सब कुछ शादी के बाद मेरा होने वाला है। इनफैक्ट उनका जो वो मलाड वाला फ्लैट है ना, वो ऑलरेडी मेरा हो चुका है। अब तुम ही मुझे बताओ स्वीटहार्ट, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं यूं ही अपने हाथ से जाने देता? सिर्फ इसलिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? देखो, मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह देना चाहता हूं। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है, अब इसे भूल जाओ। और मैं तो तुम्हें यह कहूंगा कि एक अच्छा सा लड़का देखकर ढूंढकर अपनी जिंदगी सिक्योर कर लो। बाय। स्वाति, तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तुम मेरी शादी में आई हो, खाना जरूर खाकर जाना। टेक केयर। मंगल सावधान। अर्चना कहाँ है?
अजीत, अभी अभी तुमने मुझसे अंदर कहा ना कि खाना खाकर जाना। जरूर, मैं जरूर खाना खाकर जाऊंगी। लेकिन इससे पहले ये बता दो कि किस हैसियत से, क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी कि तुम मेरी इतनी मेहमान नवाजी कर रहे हो? स्वाति, नहीं, तुम इससे शादी करो, उससे मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा। अजीत, कौन है लड़की? देखो अजीत, अब तुम्हारी आई भी पूछ रही है, बोलो जवाब दो उन्हें, बताओ इन्हें, बताओ कि मैं कौन हूँ। तुम बताते हो या मैं खुद बताऊँ? आई, ये मेरी दोस्त है, मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड, ठीक, लेकिन ये तो बता दो कि मैं तुम्हारी कितने सालों से फ्रेंड हूँ। अजीत, क्या है सब कुछ? आई, मुझे लगता है कि कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो गई है। पंडित जी, मैं दो मिनट में आता हूँ, अभी आया। स्वाति, आप प्लीज कम। ये आपका बेटा दो साल तक मुझे धोखा देता रहा, मुझसे कहता रहा कि प्रमोशन मिलते ही हम शादी कर लेंगे, और आज किसी और अमीर लड़की के साथ शादी कर रहा है। देखो, तुम जो भी हो, अगर तुम्हें पता था अजीत ने तुम्हें फंसाया है, तुम उससे पहले से ही नादान थी। मैं बेवकूफ थी कि इसकी बातों में आ गई। हमेशा यही कहता रहा कि मैं प्यार तुमसे करता हूँ, लेकिन मेरी आई को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अगर तुमसे शादी नहीं हुई तो और किसी से शादी नहीं करूंगा। यही कह के मुझे बहलाता रहा, फुसलाता रहा, और मैं इसमें तरस खाती रही। ये तो अच्छा हुआ कि अर्चना की वजह से इसकी सही नीयत मेरे सामने आ गई। क्यों अजीत, झूठ बोल रही हूं मैं? बोलो। स्वाति, तो रहने देना। अच्छा, कैसे रहने दूं मैं? तुम बताओ कैसे रहने दूं? इससे मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए? मुझे हिसाब चाहिए, ये दो सालों का कैसे लौटाओगे तुम इन्हें? हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हमारी उम्र और तजुर्बे ने हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाया है। बहन जी, हमें लगता है कि हमें रुकना चाहिए। देखिए, ये अब गलत कर रहे, ऐसा मत कीजिए। इतनी छोटी सी बात के लिए दो साल तक किसी लड़की से अफेयर रखना और शादी के लिए मना करना, कोई छोटी सी बात नहीं है। कम से कम हमारे लिए तो नहीं है। हमने सब कुछ देख लिया है, हम अपनी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। वहीनी, मैंने क्या हुआ बेटी? कुछ बुरा लग रहा है तुम्हें? लेकिन तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जो तुम चाहती थी वही हुआ, मेरे बेटे की शादी टूट गई। नहीं काकी। Shut up! Just shut up!
ये सब तुमने जानबूझकर किया है। मेरे बेटे की खुशी से जलन हो रही थी तुम्हें। उम्र में छोटा है तुमसे, फिर भी उसकी शादी हो रही है। और तुम, तुम्हारी उम्र निकली जा रही है और तुम पड़ी हो माँ बाप के घर में। ये सब तुमसे देखा नहीं गया? ऐसा नहीं है रसिका। अच्छुतो, अरे मैं तो तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की नियत को उसी दिन समझ गई थी जब मैं शादी का कार्ड लेकर आई थी तुम्हारे घर पर। तुम्हारे दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया था हमारी खुशी देखकर। बस रसिकाई, बस बहुत हो चुका आपका, बहुत देर से सुन रहा हूँ आपकी, मुझे आपको पहले ही रोक देना चाहिए था। आई के साथ आप इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? कम से कम रिश्ते का तो ख्याल किया होता आपने। शायद आप भूल रही है कि आपने इस घर में अपनी बेटी दी है। वो इसी घर के लोगों को आप इस तरह अपमान कर रही है। अगर आप अर्चना को इस घर से बाहर निकाल सकती है तो मैं भी बच्चू सको। बस विनोद, गलती से भी दोबारा ये बात अपनी जुबान पर मत लाना। ऐसा मत कहना बेटा। इनमें और हम में यही तो फर्क है विनोद, यही फर्क है। मंजू जब हमारे घर में शादी करके आई थी उस दिन से वो हमारे घर की बेटी बनी थी और हमने कभी उसका चार लोगों के बीच में अपमान नहीं होने दिया। ये हमारे संस्कार है। आप चाहे हमारे साथ कितना भी बुरा बर्ताव करें लेकिन उसकी सजा हम अपनी बेटी को, हमारी बहू को कभी नहीं देंगे। चल बेटा, चल अपने घर चल। मंजू चल। वो तुम्हारा घर है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। और एक बात, यहाँ जो कुछ हुआ इस बात को लेकर मंजू को कोई ताना नहीं मरेगा, कोई उसका अपमान नहीं करेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चल बेटा अपने घर चल। ये आपका घर है, आप ही संभाल। छोटो, छोटो, सलपार, चल। छोटू जा तीन चाय बोल कर आ। आए मानव, चल यार छोड़ने इस गाड़ी को, मूवी देखने चलते हैं। मुझे बहुत काम है। क्या यार हमेशा काम काम, कभी तो कोई दूसरा बहाना दे दिया कर। बहाने नहीं बना रहा हूं तरुण, सच में काम कर रहा हूं। अगर मुझे जीना है ना तो सच में काम भी करना पड़ेगा। क्या बात है यार, आज से पहले भी तो तू काम की बात किया करता था लेकिन कभी तूने इतने गुस्से में नहीं की। यार यार आज मैंने उसको देखा। उसे मतलब? उसी ट्रेन वाली को। जिसकी सिर्फ तू आंखें देख पाया था, चेहरा देखने के लिए तरस रहा था। यार आज मैंने उसका चेहरा देखा, उसने मुझसे बात भी की। क्या बात कर रहा है यार, कौन है वो,
क्या करती है, कहाँ रहती है, नाम क्या, कुछ तो बता। नहीं पूछ पाया यार। नहीं पूछ पाया, बट वाय? अरे तरुण कैसे पूछता यार, शर्म आ रही थी मुझे उसके सामने खड़े रहने में। इस हालत में गया था, कुछ बोलता ना तो क्या मवाली समझती मुझे। और वैसे भी नाम पूछ के मैं करता क्या, उस रास्ते तो मुझे जाना नहीं। रास्ते पर तो तू निकल चुका है, अब बेकार का ड्रामा मत कर। पसंद करता है ना तू उसे, चल फिर मेरे साथ उसका ठिकाना ढूंढते हैं। तरुण क्या बोल रहा है यार तू? यार मैं चाहे कुछ भी कहूं, तू कुछ भी बोल, कितनी भी बार बोल, लेकिन तेरे चेहरे से साफ साफ पता चलता है कि तू क्या चाहता है। चाहने से क्या होता है, चाहने से क्या होता है तरुण? हम चाहे कुछ भी चाह सकते हैं, लेकिन दिमाग को भी तो राय देनी चाहिए ना। तरुण हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम कुछ भी सपने देख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमारे हर सपने सच हो। एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है, एक बार उसे पूछ तो ले मेरे कहने से, प्लीज। तरुण इससे बात बिगड़ जाएगी, संभलेगी नहीं। तो फिर क्या इरादे हैं? कुछ नहीं। तो क्या वो मेरी जिंदगी में नहीं है? परी आंखों पे तो है ना वो, जब भी जाऊंगा अपनी अपनी आंखें बंद कर लूंगा। सपने टूटने से अच्छा है वो पलकों में ही घर कर ले। छोटा है तुमसे, फिर भी उसकी शादी हो रही है, और तुम, तुम्हारी उम्र निकली जा रही है और तुम पड़ी हो माँ बाप के घर में। बिन ब्याही तो तुम हो ही, और इतनी मनहूस हो गई हो कि किसी की भी शादी में जाओ वो शादी टूट ही जाएगी। अरे पूरी बिरादरी जानती है, एक नहीं दो नहीं कई लड़कों ने रिजेक्ट कर दिया है इसे। अब तो ये बात तय ही है कि इसकी शादी होने वाली है नहीं, मगर तुम लोग हो जो हाथ पसारे रिश्ता लेकर जाते हो हर जगह, और जब बात नहीं बनती है ना तो बदला लेते हो। ये तो अच्छा हुआ कि अर्चना की वजह से इसकी सही नीयत मेरे सामने आ गई। मेरा बेटा, मेरी बेटी, हर कोई परेशान है तुम्हारी वजह से। मेरी बेटी का पहला झगड़ा हुआ था तुम्हारी वजह से, और आज मेरे बेटे की शादी टूटी वो भी तुम्हारी वजह से। जानते हो ना विनोद कि वो छुट्टियां मैंने क्यों बचा कर रखी है, ताकि हम तीनों पुन्नी के वेकेशन में जयपुर जा सके। मैं भी तुम दोनों के साथ छुट्टियां मनाना चाहता हूँ, पर इस वक्त अर्चना की शादी हमारी छुट्टियों से ज्यादा जरूरी है। सब उस अर्चना की वजह से, सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया उसने। आज पहली बार मेरी और विनोद के रिश्ते के बीच में दरार आई है, और इस बात के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। जो भी सहारा उस हर चीज का हिसाब से देना होगा। क्या बना रही है? ला मैं बना देती हूँ। आई तू राहू दे, बस मुझे पराठे बनाने और थोड़ी सी चपातियां बनानी है, वो मैं कर लूंगी। आई तू रात पर सोई नहीं ना? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। आई इधर देख, अपनी आंखें देख कितनी लाल हो रही है। आई आंखें धो ले, कुछ देर में सब उठने ही वाले होंगे। चल चल जा, चल। अभी ठीक है? आई मैं ही गलत थी,
पानी से आगे तो धुल सकती हैं, लेकिन आंसू में जो आखिर तुम्हारी आई चाहती क्या है? मंजू, कल इतने लोगों के सामने तुम्हारी आई ने जो मैं बुरा भला कहा, क्या वो काफी नहीं था जो वो सबके सामने अर्चना की बदनामी कर रही है? विनोद, एक तो अर्चना की शादी को लेकर हम सब लोग परेशान हैं, ऊपर से तुम्हारी आई की ये बातें, इससे तो अर्चना की शादी कभी होगी ही नहीं। अरे वाह, अपनी बहन की शादी की इतनी परवाह है तुम्हें, और वहाँ कल बीच मंडप में मेरे भाई की शादी टूट गई, इस बात की तुम्हें कोई परवाह नहीं है? तुम तो हमेशा मुझे ये कहते हो ना कि तुम्हारा परिवार मेरी जिम्मेदारी है, तो क्या मेरे घर वालों के लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं? जिम्मेदारी उठाने का कोई सवाल ही नहीं उठता मंजू, क्योंकि एक, कल जो कुछ भी हुआ उसमें अर्चना की कोई गलती नहीं थी, और दूसरी बात, हमने अपनी तरफ से इस बात पर पर्दा डाल दिया था, तो अब तुम्हारी आई इस बात को क्यों उछाल रही है? क्यों उछाल रही है से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, अरे विनोद, तुम्हारी और तुम्हारी आई के लिए ये कहना बहुत आसान है कि चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन जरा उनकी सोचो जिन पर ये बात बीती है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी आई को समझाओ और उनसे कहो कि अपने बेटे की गलती की सजा मेरी अर्चना को ना दे। कम से कम इतनी उम्मीद तो मैं तुमसे कर सकता हूँ ना। उम्मीद? विनोद, उम्मीद की बात तो तुम करो ही ना। लव मैरिज कर लाए थे ना मुझे इस घर में, लेकिन कल कल सबके सामने जब तुम्हारी आई और बहन की बात आई तो तुमने एक पल में मुझे छोड़ने की बात कह दी, कुछ नहीं सोचा, यही था तुम्हारा प्यार जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़कर इस घर में चली आई। मानता हूँ मंजू, कल मैंने गुस्से में जो कुछ भी कहा वो गलत था, लेकिन मेरी इस गलती को मेरी आई ने रोका, सबके सामने अपने बेटे को छोड़कर तुम्हारा साथ दिया और तुम्हें इस घर में सम्मान के साथ वापस लेके आई। सम्मान? किस सम्मान की बात कर रहे हो विनोद? बच्ची नहीं हूं मैं, वो तुम्हारी आई का बड़प्पन या प्यार नहीं था बल्कि उनका स्वार्थ था। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर मैं वहां वहीं रह गई अपने घर में तो 50 लोगों के सामने ये बात उछलेगी और पूरी बिरादरी जान जाएगी, उसका असर अर्चना की शादी पर भी पड़ता, जानती थी वो ये बात। जानती हो मंजू, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम इस घर वालों की अच्छाई को कभी समझ ही नहीं पाई। अरे मेरी आई ने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना, मगर तुमने कभी उसका दर्द अपना नहीं समझा। तुम अच्छी बेटी तो क्या, अच्छी बहू भी नहीं बन पाई। क्या यार, क्या सॉलिड मैच हुआ मालूम है आज? क्या मस्के की तरह वेस्टइंडीज के हाथ से मैच निकाला धोनी ने, 35 बॉलों पर 65 रन। क्या हुआ, क्या देख रहे हैं? वो वाली लड़की, वो लड़की कहाँ है यार, बोलना। छोड़ ना यार, चली गई। लेकिन यार मानाओ यार, तरुण हमने क्या डिसाइड किया था? अरे जिस गली जाना नहीं उस उसका रास्ता क्या पूछना? अरे यार तेरे को नहीं पूछना ना, मेरे को तो पूछना ना तेरे लिए। चल चुप 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 चुप, तरुण तरुण मेरे देखने का है यार, तू चुप यार। उसको क्या लगेगा कि हम लड़के को पीछे कर रहे हैं? देख, तू लड़की को दिखाता है या मैं एक एक को रोक रोक कर पूछूं? सुन 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 मेरी बात, ऐसा ऐसा मत कर। अबे इतनी फिक्र है तो फिर बता देना कौन सी है, वो पीले वाली, हरे वाली या नीले वाली? पीले वाली। मजा आ गया यार, क्या चॉइस है। आ बेटी। हे हे मानव, एक सेकंड यार, ये तो वही लड़की है जिसको स्टोर पर देखा था। कहा था ना तेरे से, कितनी सुंदर लड़की एक बार देख तो सही, अगर उस वक्त देख लेता बात बहुत आगे बढ़ चुकी होती। तू भी ना यार। क्या ये वो शोरूम वाली लड़की है? यार इसको मैंने पहले पहली बार रोड पर देखा था, उसके बाद ट्रेन पे और फिर वो कॉफी हाउस। क्या बात है यार, बार बार मिलना, इट्स ऑल किस्मत कनेक्शन यार। हो गया। सुन अब गाड़ी घुमा, मुझे बहुत काम है। अरे यार जब दुकान तक आ गए हैं तो एक मिनट तो रुक, मैं कुछ लेके आता हूँ। अरुण सुन, मेरी बात सुन यार। रुक तो सही। और अंकल,
जरा दो चिप्स के पैकेट दीजिए ना। हाँ। और एक पानी का बोतल भी दे देना, एक बिस्किट का पैकेट दे दीजिए। ये लो, ये चकली ताजी ताजी है, दे दूं? अब आप इतने प्यार से कह रहे हैं अंकल, तो पाव किलो दे दीजिए ना। अच्छा अंकल, वो जो अभी यहाँ पे पीली ड्रेस में एक लड़की खड़ी थी, वो कौन है? वो तो अर्चना है, पीछे वाली गली में रहने वाली मनोहर की बेटी। लेकिन एक मिनट, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? अरे नहीं नहीं अंकल, वो क्या है ना, मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत सालों की दोस्ती है हमारी, इतने सालों बाद मिली, आवाज भी थी मैंने उसे सुना नहीं शायद। अंकल आपके पास उसका नंबर है? उनके पास फोन नहीं है, वो तो सामने वाली दुकान से फोन करते हैं। ओ तो चलेगा ना अंकल, उस दुकान का नंबर दे दीजिए प्लीज। आहो सुनिए तो। क्या है? इधर आइए ना, ये देखिए, आपके जाने के बाद मैंने अर्चना के लिए कुछ अच्छे रिश्ते ढूंढकर निकाल कर रखे हैं, जरा देखिए तो। ये लड़के ढूंढे तुमने? ये लड़का MBA है और ये इंजीनियर है। हाँ सुलोचना, तुमने फिर से। अर्चु बेटी आ गई तुम? हाँ बाबा, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती। नहीं अभी अभी तो आई है तू, थोड़ी सांस तो ले। मनोहर काका, आपका फोन आया है दुकान पर। आगो भाई। ओ काका, तुमचा फोन आला बघा रे। अरे बा पाणी मारेल थांबा, वांगा उडेल ना। हेलो, हाँ मैं ही बात कर रहा हूँ, अर्चना मेरी बेटी है, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ बेटे बोलिए, आप लोग कब आना चाहते हैं देखने? जी जरूर, हाँ हाँ हम लोग घर पर ही हैं, हम लोग आपका इंतजार करेंगे। अर्चना बेटे, आज शाम को तुम घर पर ही रहना, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। लड़के वाले आ रहे हैं आज शाम को? है कौन वो लड़का और करता क्या है, पढ़ा लिखा है कि नहीं? देखो सुलोचना, अब तुम इन सारी बातों में ना पढ़ो तो ही अच्छा है। आज तक तुमने अपने तरीके से जो करना था, जितना करना था कर लिया, अब मुझे अपने तरीके से इस बात को हैंडल करने दो। सारी तैयारियां करके रखना। पता नहीं कैसा लड़का होगा, कहीं कम पढ़ा लिखा हो और इन्होंने हाँ कर दी तो। नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। हाँ अर्जुन की शादी को लेकर थोड़ी सी टेंशन जरूर है, लेकिन मैं उसके लिए अव्वल दर्जे का ही लड़का ढूंढूंगी। उसकी शादी के बारे में मैं कोई गलत फैसला नहीं करने दूंगी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।